वहीं यूपी के औरैया सदर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सरिता दोहरे चुनाव मैदान में हैं, जहां इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी सरिता बीजेपी सपा और बसपा प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर देने के साथ साथ जनता के साथ किए वादे पूरे करने की बात करती हुई नजर आई। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी सरिता दोहरे से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने। देखिए, औरैया सदर विधानसभा 204 से में कांग्रेस प्रत्याशी सरिता दोहरे जी बैठी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के साथ जनता के सामने अपना चुनाव प्रचार प्रसार करेंगी और क्या उनकी रणनीति रहेगी। एक तरफ भाजपा और एक तरफ सपा जैसी पार्टियां हैं और उनसे जीत दाखिल करने के लिए उनकी क्या क्या अपनी जीत के लिए क्या क्या उनकी विशेषताएँ रहेंगी। देखिए, मुझे श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भेजा है जनता की सेवा के लिए। सबसे पहले किसानों का कर्जा हम लोग माफ़ करेंगे, बिजली बिल हाफ करेंगे, गेहूं की कीमत 2500 रुपये देंगे, धान की भी कीमत हम लोग 2500 रुपये देंगे। और मैं महिला हूँ, महिलाओं की भी बात करना चाहती हूँ। महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी में हैं, आशा बहुएँ हैं, उन्हें हम 10000 रुपया देंगे जब हमारी सरकार बनेगी। महिला बेटियों को जिन्होंने इंटर कर रखी होगी उन्हें स्मार्टफोन देंगे और बीए वाली को स्कूटी देंगे। हम लोग 10 लाख रुपए तक का बेटी कल हम लोग फ्री करवाएंगे जब हमारी सरकार बनेगी। उसके बाद हम लोग 40 लाख के लिए आरक्षण की बात करी थी भागीदारी की, तो देखिए हमने टिकट भी भागीदारी में 40% दिए। सबसे पहली लिस्ट में ही 125 टिकट हुए थे, उसमें से हमारे 50 महिलाओं के टिकट हुए हैं। आपकी रणनीति रहेगी किस तरीके से आप अपना चुनाव आगे, जो जैसे आपकी भाजपा और सपा जैसी पार्टियां आपके साथ आपके सामने खड़ी हैं, आप किस तरीके से अपना प्रदर्शन कर अपनी जीत दाखिल करना चाहती हैं? महिला को सशक्त करने का काम करेंगे। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, भाजपा ने तो वादे करे थे कि हम रोजगार देंगे लेकिन रोजगार नहीं दिया। वो पढ़े हुए क्या पकौड़े तलने के लिए वो बाहर निकलेंगे, पकौड़े तलेंगे? हम उन्हें रोजगार देने का काम करेंगे। किसान भाई हमारे परेशान हैं आवारा पशुओं से, उन्हें हम आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाने का काम करेंगे। और यहाँ सबसे ज़्यादा जब मैं क्षेत्र में घूम रही हूँ, बिजली की समस्या सबसे ज़्यादा देखी है। रोड बनाने का वादा करा था, कहीं रोड भी नहीं बनाए गए हैं, जो रोड भी बनाए गए हों। और भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं महिलाओं की। आजकल देख लीजिए कि जितनी महंगाई है, महंगाई से वो उनका भरण पोषण तो कर नहीं पा रही हैं। महिला अपना घर का खर्चा नहीं चला पा रही हैं, जो अपना घर का खर्चा चला पा रही हूँ। उनकी जेब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। हम 60 रुपये लीटर तेल देते थे जब हमारी सरकार थी, आज 200 रुपये लीटर तेल है। उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से अपने घोषणा पत्र में, जो उनका घोषणा पत्र है उसी के साथ साथ लोगों के घर घर जाकर अपना चुनाव का घोषणा पत्र के बारे में बता रहे हैं। और इसके साथ खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.